अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। आज के इस ब्लॉग के अंदर हम DHA फेज़ 3 सीरीन सिटी का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त हमें बहुत एक खूबसूरत सीनरी, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप हमें नज़र आ रहा है। DHA फेज़ 3 सेक्टर ए और बी गार्डन सिटी बहरिया टाउन से DHA ने लिया था किसी पेमेंट या किसी इस तरीके के मामले में, और उसके बाद एक सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसको बहुत पसंद करते हैं। आम तौर पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैंने घर बनते हुए देखे पिछले तकरीबन 2 सालों के अंदर। आर्मी ऑफिसर्स को ये एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये पसंद क्यों ना हो, इसकी वाइड रोड्स और ख़ूबसूरत लैंडस्केप इसको एक एक्सेप्शनल किस्म का स्पेस बनाता है। वेल, आज की डिस्कशन ना तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए है, ना यहाँ पे कोई घर ख़रीदने के लिए है। आज का व्लॉग हम कमर्शियल एस्पेक्ट से इस एरिया को आपको दिखा रहे हैं कि ये जैसे ये एक कमर्शियल स्पेस गुजरता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो इसी तरीके से कमर्शियल एस्पेक्ट इस एरिया का आज हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पे कमर्शियल्स कैसे हैं, यहाँ पे ख्वा कमर्शियल ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए, क्या मामलात करने चाहिए कमर्शियल्स के। मैंने पिछले तकरीबन 2 साल या 3 साल के अंदर, या 2018 की बात करूं, तो एक ऐसा कमर्शियल कि जिस जगह का नाम था अकेंटलाडो कमर्शियल, ये बहरिया फेज 7 का हिस्सा है और तकरीबन बिल्कुल पैरेलल बनता है स्क्वायर कमर्शियल और टाइम स्क्वायर कमर्शियल के, यानी इट इज़ देयर ट्रिपलेट ब्रदर अकेंटलाडो कमर्शियल, कुछ तकरीबन ऐसे बन रहा है। तो उस एतबार से मैंने अकेंटलाडो कमर्शियल को देखा, और उस टाइम पे 8 मरले के ये प्लॉट्स तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर मिल रहे होते थे। साल की अच्छे अच्छे महीने की यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स हुआ करती थी, और उस एतबार से अब की अगर मैं मार्केट उधर देखूँ तो बहरिया टाउन के अंदर बेहतरीन फूड ब्रांड चिकाचिनो, और उसके अलावा ज़बरदस्त किस्म के एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स, और बड़ा एक अच्छा और ज़बरदस्त मैं कहता हूँ कि एरिया विद टाइम बन गया, और कमर्शियल प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। बहुत ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे कमर्शलाइजेशन मैंने देखी, कमर्शियल रेट्स वहाँ पे बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इसी तरीके से DHA फेज 3 सीरीन सिटी, जो कि गार्डन सिटी से एक्वायर हुआ वह स्पेस है, ये भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल ग्राउंड मैं इसे कहूँगा। और अभी तो यहाँ पे बहुत कम घर बने हुए हैं, बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन गेटिंग ऑन इन टाइम इस एरिया के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होते हुए देख रहा हूँ, और बहुत सारे लोग इस एरिया को बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से पसंद करते हैं, यानी यहाँ पे आके लोग प्लॉट्स ले रहे हैं। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस एरिया को मैं देखना चाहूँ तो ये एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले साइज़ के ऊपर अगर बात करें तो तकरीबन 2.5 मरले, 5.33 मरला एंड 7.11 मरलास के यहाँ पे प्लॉट हैं। मुझे 7.11 मरला साइज़ के अतबार से इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो 40x40 का कमर्शियल है, कि आपको एक बड़ा फ्रंट मिल रहा हो, उसके अलावा आपको एक रिलेटिवली अच्छी डेप्थ मिल रही हो। उसके बड़े फ्रंट के साथ फ़ायदा ये है कि आप एक बड़ी जगह बना सकते हैं और एक अच्छी जगह आप बना सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से इससे भी बड़े प्लॉट्स यहाँ पे, 10 मरले का प्लॉट भी मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा कि यहाँ पे 10 मरले का साइज़ भी है, विच इज़ ऑल्सो वंस अगेन अ वेरी गुड साइज़ टू बी कंस्ट्रक्टिंग अपॉन। तकरीबन 40x60 के साइज़ के अंदर 10 मरले का प्लॉट फॉल कर रहा है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, इससे शायद बड़ा ही हो, लेकिन 40x60 के साइज़ में 10 मरले का प्लॉट मिल रहा है, और वो भी बहुत एक अच्छा साइज़ है। उसमें भी अगर अच्छा प्लॉट आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब जिस राउंड अबाउट के ऊपर हम एग्जैक्टली घूम रहे हैं, यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे हमें 7.11 मरला के प्लॉट्स ऑलमोस्ट शुरू होंगे। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा बुलेवर्ड है, इसको मेन रिंग रोड आमतौर पे बहरिया बहुत पसंद करता है रिंग रोड को की मुशाबहत देने में, तो इसे मेन रिंग रोड के नाम से जाना जाता है, और अभी ये करंटली DHA 3 सीरीन सिटी का हिस्सा बन रहा है। अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ इन्वेस्टमेंट, तो कमर्शियल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाले चीज़ प्रोडक्ट होता है। उसके अंदर बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल हैसियत रखता है, आप चाहें तो ऊपर से नीचे तक उसको कमर्शियल बना दें, लेकिन आम तौर पे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और उससे ऊपर जो फ्लोर्स बनते हैं वो उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स भी उसके अंदर होते हैं। अगर आप बड़े प्लॉट्स ले रहे हैं, 10 मरले का प्लॉट ले रहे हैं, यहाँ पे उससे भी बड़े प्लॉट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे 2 कनाल, 2.5 कनाल से लेके 5 कनाल तक प्लॉट्स अवेलेबल हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, बड़े अपार्टमेंट्स के लिए, कमर्शियल स्पेसेस के लिए, तो वो भी आप
आप यहाँ पे बना सकते हैं और बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे होंगे। एक और फ़ायदा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या कमर्शियल एस्पेक्ट से DHA3 का ये है कि DHA3 के अंदर जो कमर्शियल्स हैं वो एक तो अप्रूव्ड होंगे, यानी DHAs को क्योंकि ऑलरेडी ये CDA या RDA अप्रूव्ड एरियाज़ होते हैं, तो इसी तरीके से इसके जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं या कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो भी अप्रूव्ड आपको होंगी। यानी अगर आप GT रोड के ऊपर बना रहे हैं तो आपको उसके ऊपर CDA का अप्रूवल चाहिए, या फिर अगर आप इसके अंदर बैरिया टाउन के अंदर बना रहे हैं या भाई कुछ बैरिया टाउन की अनरजिस्टर्ड एरियाज हैं अगर उधर बना रहे हैं तो आपको RDA का अप्रूवल चाहिए। तो लेकिन अगर आप DHA3 के अंदर कमर्शियल्स बना रहे हैं तो उसके अंदर अप्रूवल्स ऑलरेडी इस एरियाज के इन एरियाज के पास हैं, ये जितना भी रेजिडेंशियल एरिया या कमर्शियल इस एरिया इसका ऑलरेडी अप्रूव्ड है। जैसे अब हम ये कुछ एरिया देखें इसी तरीके के एरियाज़ के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, या अगर हम अपने लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो ये सारा 7.11 मरला कमर्शियल स्पेस है, बहुत बड़ा बुलेवर्ड और एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रखने वाला ये स्पेस है। और आज की डेट में ये कमर्शियल्स हमारे पास भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो हमसे आप अच्छे तादाद के अंदर, यानी अकलमंद आदमी वो जो एक नहीं दो एक साथ यानी जोड़ा कमर्शियल्स या ट्रिपलेट कमर्शियल्स ले ले एंड गेटिंग ऑन इन टाइम उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट करें, वो तमाम लोग जिन्होंने पिछले कई टाइम के अंदर, काफ़ी सालों के अंदर बहरिया कराची के अंदर या इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने नुकसान किए हैं, यू कैन मेक अपार्टमेंट्स, यू कैन मेक कमर्शियल स्पेसेस एंड यू कैन सेल देम इन द मार्केट। तो ये सब तरीके से आप अपने पैसे को मार्केट के अंदर रीगेन कर सकते हैं, वापस हासिल कर सकते हैं, और वो भी लीगल तरीके से, कोई डेफिनेटली इसके अंदर इलीगल वाले मामलात नहीं हैं। तो ये उस एतबार से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। 2020 एक बहुत ज़बरदस्त साल गुजरा, 2021 एक बहुत ज़बरदस्त साल गुजरा, लेकिन 2022 एक मैं उस तरीके से रियल इस्टेट को एक्सेप्शनली ग्रो करते हुए नहीं देखता। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को रादर देन प्रोमिसज टू डिलीवर के अंदर इन्वेस्ट करने के बजाय आप इन्वेस्ट करें फिज़िकली एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर, फिज़िकली एग्जिस्टिंग एसेट्स के अंदर, और वो फिज़िकली एग्जिस्टिंग एसेट्स आम तौर पे या ज़्यादा बेहतर तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होंगी। और DHA3 होल्ड्स अ वेरी गुड चांस कि आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉनेटरी ग्रोथ मिले, आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन की ग्रोथ मिले कि अगर आप इसको डेवलप कर लें। और DHA3 उस एतबार से बहुत अच्छा है, ये एक बहुत खूबसूरत सेक्टर है या बहुत खूबसूरत फेज़ है जो कि DHA ने बनाया है। यहाँ पे आप 5 मरला, 8 मरला, 1 कनाल, 10 मरला है ऑल्सो, आप इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी परचेज कर सकते हैं और उसके अलावा कमर्शियल प्लॉट्स भी परचेज कर सकते हैं। और इस परचेजिंग करने के लिए आप हमसे भी रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट इस तरीके की बेहतरीन अपडेट्स आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम।